राम राम सा। मैं हूँ सारदा परियार और सारदा मारवाड़ी रसी में आप सबको एक बार बड़े स्वागत है। आज अपन वीडियो में बनाओ आलू कोफ्ता। सर्दी और मौसम में महीना कोफ्ता जीवना से बनाना बढ़िया लगे। कोफ्ता बनाने में घड़ी टाइम ही नहीं लगे तो पदर रसी में अब कोफ्ता बनावना शुरू करो। आप देख रही हो सा अपन आलू कोफ्ता कितना बढ़िया कोफ्ता बनने तैयार होया है। अगर आप भी अड़ा कोफ्ता घर बनावनी चाहो तो और वीडियो पूरा जरूर देख जो। इन वीडियो में ना आपने बहुत ही आसान तरीका हूँ कोफ्ता बनाने की विधि बताई है। तो हम अब कोफ्ता बनावना शुरू करो। इन वास्ते सब पहले गैस में कड़ी रख में तेल गर्म होने वास्ते रख दे। कड़ी में डाल दे हागल चिमचू एक चिमचू तेल। तेल ने बढ़िया गर्म कर ले। तेल बढ़िया गर्म हो गया है इनमें डाल दें थोड़ी जीरो थोड़ी राई थोड़ा आका धोना ना हाथ मसलन डाल दे। हमें अपन में डाल दें दरदरी पीस जोड़ी हरी मिर्च और अदरक तीन चार मिर्च और मैं मिक्सी में गालन दरदरी पीस तैयार कर ली। मिर्चों ने एक आधी मिनट तक तेल रो मैंने भून लिया वो बढ़िया। मिर्चों ने तेल में एक आधी मिनट भून जो पच इनमें गाल दिया आधी कटोरी बेसन। बेसन ने धीमी आंच माते तीन चार मिनट तक भून लिया बढ़िया मिर्च और हाथ है। बेसन ने धीमी आंच माते भूनसन मन चार पांच एक मिनट गए हैं। हमें बेसन रीकनी सुगन आउंड होगी। हमें अपन में मिला दें आलू अटे में लिया छह हाथ आलू जिन्हें मैं पहले उबालन छोलन तैयार कर लिया। हमें अपन ने आलू ने हाथों मसाला में मिक्स कर दे। आलू रहते इस गाल दे थोड़ा अनार दौना और थोड़ा मटर दौना। आलू ने अनार मटर ने सबन बढ़िया मिक्स कर दे। आलू बढ़िया मिक्स हो गए है। हमें अपन में मिला दे हुकम मसाला। हुकम मसाला में ली डेढ़ चम्मच रात की मिर्चों आधा चम्मच हल्दी हवादर साबु नमक आधा चम्मच पीस धना मसाला आप पसंद रहे साबु हला थोड़ा कर सको। इन सब मसाला बढ़िया मिक्स कर दे। मसालो बनाती टाइम गैस की आंच एकदम धीमी रखनी है। पूरा मसाला अपन धीमी आंच में इस बनावनो है। मसाला बढ़िया मिक्स हो गयो है। हमें अपन में मिला दे थोड़ा काजू दाखो। काजू ने दाखो ने मैं 10 मिनट पहले पानी में भिंजोन रख दिया। छोटोड़ा चिमचू दो चिमचे शक्कर थोड़ा कूटड़ो नींबू सत। नींबू सतरी जगह आप नींबू जूस भी गाँव में ले सको। जिको चीज आप लोगों ने हाजिर हुए वह कौन में ले सको। इन सब मसाला बढ़िया मिक्स कर दे। मसाला बढ़िया मिक्स हो गए है। मसाला बनन तैयार है। हम अपन में मिला दे काटड़ा हरा धना। हरा धना नहीं मसाला में बढ़िया मिक्स कर दे। हमें अपन मसाला एक दूसरे ठाव में ले ले जिन मसाला हल्के ठंडू हो जाये। पूरा मसाला अब थाली में ले लियो। मसाला थोड़ा ठंडो कर लो। मसाला ठंडो हो जी तो बेसन रो घोल बनान तैयार कर लो। बेसन रो घोल बनाने वास्ते अटे मैं लिया मोटा ठाव में बेसन इनमें मिला दे थोड़ा इजमो। इजमो ने हाथों मसाला गाल दे हवादर साबु नमक थोड़ो मैं लियो मीठो होडो। इन सब मसाला बेसन में बढ़िया मिक्स कर दे। हमें अपने बेसन रो मैंने थोड़ा थोड़ा पानी गाल हन बेसन रो बढ़िया घोल बनान तैयार कर ले। बेसन रो मैंने एक हाथ हलो पानी नहीं गालना है। थोड़ा थोड़ा पानी गाल हन बेसन रो बढ़िया घोल बनान तैयार करना है। आप देख रहे हो सो बेसन रो बढ़िया घोल बनान तैयार कर लियो। बेसन रो घोल बनान तैयार करियो जी तो अपन मसाला ठंडो हो गो है। हम अपने मसाला री बॉल बनान तैयार कर ले। थोड़ा थोड़ा मसाला ले नींबू जीती जीती बॉलो बनाने तैयार कर ले इन मसाला री। इन तरीका पूरे मसाला रे बॉलो बनाने तैयार कर ले। मसाले बॉलो अपन हल्ली मोटी नहीं बनावनी है।
इन तरीकों बनाए कोफ्ता जिमन में ना बढ़िया लगे तो इन तरीकों एक बार कोफ्ता आप जरूर बनान जिम जो। अब पूरे मसाला बॉलो बनान तैयार कर ली। हमें अपने मसाला बॉलो ने बेसन रे गोल में डाल दे मो मसाला बॉलो माते बेसन रे गोल लगा दे मो। मसाला बॉलो बनान तैयार करी जिते अटिन अपन गैस में तेल ही गरम होगा बढ़िया। हम अपने एक एक कोफ्ता ने इन तेल में तलीजने वास्ते छोड़ दे मो। कड़ी में आराम मावे इतना फिर कोफ्ता कड़ी में डाल दे हूँ तलीजने वास्ते। कोफ्ता ने जा रहा हूँ पलट में बढ़िया हेकन तैयार कर ले मो। कोफ्ता बड़े हिकन तैयार हो गया है। हम अपने जा रहा हूँ बाहर निकाल दे वो। कोफ्ता ने एक दूसरे ठाव में ले ले वो। आप देख रहे हो सा अपन कितना फूट रहा कोफ्ता बनन तैयार होया है। कोफ्ता जितना दिखने में फूट रहा दिखे उन्हें कई गुना ज्यादा है टेस्ट में बढ़िया बनन तैयार होया है। इन तरीकों लारे बच्चों का कोफ्ता ने अब तलन तैयार कर ले वो। जा रहा हूँ पलट कोफ्ता बढ़िया हेकन तैयार कर ले मो। कोफ्ता बढ़िया हेकन तैयार हो गया है। हम अपन कोफ्ता ने बाहर निकाल दे मो। आप देख रहे हो सा अपन कितना बढ़िया कोफ्ता बनन तैयार होया है। तो इन तरीकों एक बार कोफ्ता आप जरूर बनान जिम जो आपने ना बढ़िया लागेला। तो लोसा गर्मा गर्म कोफ्ता बनन तैयार है इन जिमने वास्ते पूर दे मो। तो ओ वीडियो अपने केडोक लगो मन कमेंट करन जरूर बती जो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक शेयर जरूर कर जो सा अन एड़ा बड़े वीडियो देखने वास्ते इन चैनल ने सब्सक्राइब करन घंटे लो बटन दबा दीजो सा। तो एक बार बड़े मिलो एक नवा वीडियो आते है जड़ते ही। राम राम सा।